त्वरित कार्रवाई किया। अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, तीन पूरक इस संबंध में मैं पूछना चाहता हूँ। पूछ लीजिए। पहला पूरक ये है कि बीएसएससी को 13/12/2021 को निःशक्तता आयोग ने पत्र लिख करके कहा था कि टाइपिंग टेस्ट में निःशक्त छात्रों को, विकलांग छात्रों को रिलैक्सेशन देना चाहिए और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के मुताबिक, लेकिन बीएसएससी ने उसमें वो आरक्षण नहीं दिया, टाइपिंग में रिलैक्सेशन नहीं दिया, ये क्यों हुआ, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि दिव्यांग छात्रों ने बीएसएससी में लेटर कई बार दिया है और जो छात्र ओबीसी में क्वालिफाई किए, ओबीसी के कट ऑफ में आ गए, उनको ओबीसी में न रख करके पीएच कैटेगरी में रखा गया है, जो जनरल में आ गए उनको जनरल पीएच कैटेगरी में रखा गया है, तो ये रिवर्स रिजर्वेशन जो 3% पीएच स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए था, ये रिवर्स रिजर्वेशन क्यों लागू हुआ। तीसरा सवाल है महोदय कि सरकार जवाब में कह रही है कि अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हुआ और इसका जो कारण है वो है कि 2014 की बहाली है महोदय, और उसमें छात्रों से विज्ञापन में उल्लेख नहीं होने के बावजूद पुराना एनसीएल मांगा जा रहा है 2014 से पहले का, और उसी जैसे बहाली में, एक ही तरह की बहाली जब सीजीएल की आई थी, स्नातक स्तरीय, उसमें नया एनसीएल लिया गया था, तो इस कारण से क्यों विलंब करवाया जा रहा है प्रथम इंटर। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। महोदय, जो माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं लिख के एक भेज दे, इसको हम फिर से देखवाएंगे, लेकिन उत्तर तो समुचित रूप से दिया गया हुआ। चलिए महोदय, जवाब तो दे दिए। एक मिनट महोदय, इसमें मुख्यमंत्री साहब को, मंत्री महोदय को, बीएसएससी में, महोदय एक मिनट समय दिया जाए, जवाब हम एक बार खाली क्लियरिफाई कर दे रहे हैं, कई एक दफा लेटर दिया गया है, तो मंत्री महोदय समय दे दे, एक बार मिल करके हम पूरे मामले में बात करेंगे। नहीं है ठीक, आ जाइए, क्या दिक्कत आपको, समय है।